हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन एट होम. यू शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेम लेसन, लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बाय एनी फ्रैंक. ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है ना, एनी फ्रैंक एक जो है डायरी लिखी थी, तो उसी में से ये लेसन आपका लिया गया है. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एनी फ्रैंक जो है अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है घर पे. ठीक है, हालांकि उसके बहुत फ्रेंड्स हैं और अच्छी फैमिली भी है, एक लविंग फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब है उसके इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी वो बहुत अकेला महसूस करती है. तो हमें इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना. ओपन दिस पैराग्राफ. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एंड आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. अभी कह रही मेरे पास, मतलब देखा जाए सरफेस, यानी अगर देखा जाए ऊपरी ऊपर ऊपरी तरीके से या ऊपर ऊपर से, तो मेरे पास सब कुछ है केवल मेरी एक ट्रू फ्रेंड के अलावा. और जो है ट्रू फ्रेंड नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. और बस ये है कि मैं जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा समय बीतता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. आई का मतलब ये कह रही है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहती, जबकि मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हूँ. ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स, जो कॉमन है, ऑर्डिनरी है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट माई एनी क्लोजर, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. और ये कहती है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज होने के लिए सोचती है तो नहीं होती है, एंड यही इसकी प्रॉब्लम है. Maybe it is my fault that we don't confide. Confide, share secret with someone. अभी कहते हो सकता है मेरी यही समस्या है कि मैं अपने secrets किसी के साथ share नहीं करती हूँ. Friends बहुत है, मैं enjoy भी करती हूँ उनके साथ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा किसी से close नहीं होती हूँ और अपनी secret share नहीं करती हूँ. In any case, that is just how things are, and unfortunately there are liable to change. This is why I have started the diary. अभी कहती किसी भी केस में मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ अनफॉर्चुनेटली, और ये जो है चेंज करने की मतलब चीज़ भी नहीं है कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ. और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डायरी को अपनी ट्रू फ्रेंड बनाया जाए और डायरी लिखी जाए. तो इसने सोच लिया, प्लान कर लिया कि मैं जो डायरी से अपनी सारी सीक्रेट शेयर करूँगी, और जो भी बात मुझे किसी और को कहने में दिक्कत आती है वो मैं अपनी डायरी से बात करूँगी, और डायरी जो है मेरी इस बात को बिल्कुल पेशेंस से सुनेगी और किसी से शेयर भी नहीं करेगी. क्लियर क्लास? ओके. टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. अभी कह रही है कि इस चीज़ को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक ऐसी फ्रेंड का जिसका मेरे को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था मेरी इमेजिनेशन में, यानी कि जिस अपनी इमेजिनेशन में एक ये बहुत ही अच्छे और ट्रू फ्रेंड की तलाश कर रही थी, लॉन्ग अवेटेड, जिसका लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी. तो इस चीज़ को इनहेंस करने के लिए कहती है कि आई डोंट, मैं इस पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिखूंगी, कोई भी फैक्ट्स जैसे बाकी के लोग लिखते हैं, जबकि मैं अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी और इसको मैं अपनी फ्रेंड बनाऊंगी और इसमें अपनी सारी बातें लिखूंगी, और इसका नाम मैं क्या रखूंगी, किटी लिखूंगी. डायरी का नाम मैं किटी लिखूंगी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. अभी कह रही है कि सिंस नो, कि कोई भी मेरी डायरी को नहीं समझ पाएगा अगर मैं अपनी बात को यूं ही प्लंग राइट इन, मतलब स्टार्ट राइटिंग एट दैट मोमेंट, यानी कि आप जिस समय जो सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन से लिखना. तो अगर वो जिस समय डायरी को लिखने के बारे में सोच रही थी, अगर वो उसी समय अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट कर देती उसी डेट से, तो सामने वाला जो रीडर है वो उसको नहीं समझ पाता कभी भी. तो ये कहती है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में एक छोटा सा स्केच और अपने बारे में बताना चाहूँगी जो कि इसको डिसलाइक है, पसंद नहीं है. तो ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है जो इसको इसको पसंद नहीं आता है, मतलब इसको नहीं पसंद अपनी लाइफ का इंट्रोडक्शन देना. तो ये कहती है मैं दूंगी ताकि लोगों को समझ में आए मेरी डायरी के बारे में. अपने फादर के बारे में बताती है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. आई डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25.
कहते मेरे पापा बहुत ही अच्छे पापा थे और मेरे पापा अपने मेरी मदर से शादी तब तक नहीं किए जब तक मेरे पापा 36 और मेरी मदर 25 की नहीं हो गई। अभी अपनी बहन मार्गरेट के बारे में बताती है कि वो फ्रैंकफर्ट में जन्मी, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 1926 में, और इसका जन्म कब हुआ, 12 जून 1929 में। क्लियर। इसकी सिस्टर जो मार्गरेट थी वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म हुआ था मार्गरेट का 1926 में, और इसका जन्म 12 जून 1929 में। अभी कहती है आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब मैं 4 साल की जब तक नहीं हुई मैं फ्रैंकफर्ट में ही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, पिताजी जो इसके हॉलैंड इमिग्रेट कर गए 1933 में। इमिग्रेटेड मीन्स लिव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट इन अनादर, ठीक है, एक मतलब अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना। माई मदर एडिथ हॉलैंडर, फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी मम्मी, मेरी मदर जो थी कहती है कि जो एडिथ हॉलैंडर थी, हॉलैंडर फ्रैंक थी, वो जो है सेप्टेम्बर में हॉलैंड चली गई उनके साथ। वेल माई मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। एचन एक सिटी है जर्मनी की, तो यहाँ पर जर्मनी में ये एचन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रुकी। यू कैन सी इन द पिक्चर। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट जो है दिसंबर, ओके, मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है और ये जो है फरवरी में फॉलो करती है, यानी कि फरवरी में ये भी चली जाती है। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। प्लंक डाउन मतलब पुट अबाउट, पुट डाउन एब्रप्टली, यानी कि पुट डाउन, रख देना वहाँ पर। तो ये कह रही है कि जो है मार्गरेट भी चली जाती है हॉलैंड दिसंबर में और ये फरवरी में, और ये जब जाती है तो वहाँ पर उस समय उसका बर्थडे रहता है, तो उसके बर्थडे के तौर पे जो है इसको एन को जो है रख दिया जाता है टेबल के ऊपर एज अ बर्थडे प्रेजेंट मार्गरेट के लिए। क्लियर क्लास। तो ये इसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रही है, अपने बारे में बता रही है, अपनी फैमिली के बारे में बता रही है कि इसकी सिस्टर है, इसकी ग्रैंड मदर ये, और इसके पेरेंट्स, इनके बारे में ये बता रही है। फिर कहती है आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अभी अपनी एजुकेशन के बारे में बताती है कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 एंड एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। कह रही है कि मैं उस समय 6 ईयर्स ओल्ड थी और जब मैंने अपना जो है पढ़ाई शुरू करी थी तो मैंने जो है फर्स्ट फॉर्म से अपनी स्टडी वहाँ पर स्टार्ट करी। एकदम अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बता रही है। अब इन द 6th फ्रॉम माय टीचर वॉज मिसेस कपरकस। जो इसकी टीचर थी वो ये थी, क्या नाम है इसका, कपरस, ठीक है, कैपरस जो थी वो इसकी वहाँ पर टीचर थी। द हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस थी जब ये 6th फॉर्म में थी। हेडमिस्ट्रेस आपको पता है वोमेन हु इज द हेड टीचर इन द स्कूल। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब जब ये जा रही थी उस स्कूल को छोड़ के, तो इसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस कैप्रिकस, वो और ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थी, टीयर्स में थी, रो रहे थे, उदास थे, क्योंकि इन दोनों को अब एक दूसरे को फेयरवेल करना था, विदाई लेनी थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। समर में 1941 में ग्रैंडमा जो है वो बीमार हो गई और उनका जो है ऑपरेशन हुआ, तो इसका बर्थडे जो है ना कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ऐसे इसका बर्थडे बीत गया विदाउट एनी सेलिब्रेशन, बर्थडे जो है बीत जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा जो है जनवरी 1942 में इनकी ग्रैंडमा जो थी वो मर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंस्टेड टू was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। अभी कह रही है कि जो मैं अपनी grandma को बहुत miss करती थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है, लेकिन जो इसका birthday था 1942 में जो celebrate हुआ, सिर्फ उसका ये intention था celebration का कि जो है जो भी death हुई उसका makeup किया जा सके, यानी कि इसकी recovery के लिए जो है ये काम हुआ। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और मेरी बाकी कैंडल्स के साथ जो है बर्थडे कैंडल्स के साथ ग्रैंडमा की हुई कैंडल वहाँ पर लगाई गई, जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अभी कहती है कि हम चारों बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे थे। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग अवर डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू
the present date of 20 June 1942 and this Solomon dedication of my diary. अब ये कहती है कि हम बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट. और अब ये प्रेजेंट डेट पे आती जिस समय ये डायरी लिखने के बारे में सोच रही थी, ठीक है, 20 June 1942 एंड द सोलोमन. और ये पूरा डेडिकेशन देती है, पूरे तरीके का गंभीर डेडिकेशन ये अपनी डायरी को देती है और अपनी डायरी स्टार्ट करती है. विल स्टार्ट दिस लेक्चर ऑफ दिस डेट 20 June 1942 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. जो इसने अपनी डायरी में जो भी चीज़ें लिखी हैं 20 June 1942 में, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे. क्लियर क्लास? आई होप सो द लेसन इज क्लियर. क्लियर? तो आपको जो भी डाउट है तो आप जो है उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉन्टैक्ट टू मी. क्लियर? एंड यू हैव टू राइट द समरी ऑफ टॉट पैराग्राफ्स. यू विल बी गिवन सम क्वेश्चंस आल्सो टू अटेम्प्ट दैट. ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.